शिमला निवासी होने के वजह से मुझे बड़ा ऐसे कार्यक्रम में आना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ पर न केवल देश सेवा का बल्कि जनजाति सेवा का काम हो रहा है। व्यापारी संगठन ने मुझे, यहाँ के लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, और बॉबी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत महान काम है। मुझे इनके बारे में काफ़ी लोगों ने बताया, अभी हाल ही में इनको राष्ट्रपति जी ने बुलाया था, और जो लंगर का काम ये कर रहे हैं, और ये काम बहुत सेवा का है ये आजकल के माहौल में भी और उससे पहले भी। तो मैं तो ऐसी चीफ गेस्ट तो मैं नहीं हूँ, चीफ गेस्ट तो ये हैं, मगर मैं अपनी तरफ से आपको सर 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 5 बाईपैथ भेजता हूँ बॉम्बे से, वो जहाँ आपको ठीक लगे। आप अनुपम खेर फाउंडेशन की तरफ से आपको ये सामान हॉस्पिटल के लिए या इंडिविजुअल, बेसिकली हॉस्पिटल के लिए आप ज़रूर दीजिए, वो मेरा छोटा सा योगदान हमारे फाउंडेशन की तरफ से होगा। और मुझे बताया अभी कि यहाँ व्यापारियों ने बताया कि जी अब हम शान से कह सकते हैं कि हम अनुपम जी के पड़ोसी हैं, और अनुपम जी कह रहे हैं अरे मैं इनका पड़ोसी हूँ, और बाकी आप लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जो भी ज़रूरतें हैं वो ज़रूर, और स्वस्थ रहिए। योग दिवस भारत की तरफ से पूरे विश्व को एक बहुत ही अद्वितीय भेंट है, न केवल ये शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखता बल्कि आपका मानसिक मनोबल भी और मानसिक संतुलन भी ठीक रखने में फ़ायदेमंद है। मैं योग थोड़ा सा करके आया, आप लोगों ने किया कि नहीं पता नहीं, शायद आपका योग तो यही है, माइक पकड़ लिया अपने आप में इसमें योग हो गया। मगर योग दिवस जो है, मैं पूरे हमेशा कहता हूँ कि विश्व को अगर शांति स्थापित करनी होगी तो योग का आसन और योग का जो है करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों को भी देख के बहुत खुशी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।